हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे आईबीपीएस की भर्ती के बारे में जो अभी लेटेस्ट आई है। तो जानने के लिए फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नीचे का रेड बटन दबाकर। सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई वीडियो रिलीज होगा, आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू जानकारी मिल जाएगी और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आईबीपीएस की कुल भर्ती आई है इस समय 15,332, यानी 15,000 से ज़्यादा पदों का विवरण यहाँ पर आया है। कुल 15,332 पद हैं और जो पदों का विवरण है वो है ऑफिसर असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3। इन पदों का कुल आया है 15,332 भर्तियाँ। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। तो जाहिर से बात है, ऑफिसर रेंज की पोस्ट आई है तो कम से कम ग्रेजुएशन की तो डिमांड करेगा ही। और एज की बात की जाए तो पदों के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि कुछ पदों के लिए एज 28 साल है, तो कुछ के लिए 30 साल, कुछ के लिए 32 साल, कुछ के लिए 40 साल। ये मैं जनरल एज बता रहा हूँ। अगर आप ओबीसी की बात करें यानी अदर बैकवर्ड कास्ट की, तो उसमें कम से कम 3 साल की छूट मिलेगी। और एससी एसटी जिसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उसमें कम से कम आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एग्जाम वर्ग के लिए जो फॉर्म फी जो है वह है 100 रुपये, तथा अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो फॉर्म की फीस है यानी आवेदन शुल्क जो है वह 600 रुपये है। तो फ्रेंड्स, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट 14 अगस्त 2017 है। तो जल्दी से जल्दी जाकर यहाँ पर अप्लाई कर दें और इस एग्जामिनेशन को दें। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आईबीपीएस के थ्रू जब आप क्लर्क बन जाते हैं तो उसमें आपको ढेर सारे चांस रहते हैं कि भाई बैंक पीओ बनने के, क्योंकि इंटरनल एग्जामिनेशन होता है और इंटरनल एग्जामिनेशन जब क्वालिफाई आप करते जाते हैं तो बैंक पीओ बन जाते हैं। और बैंक पीओ बनने के साथ साथ आप ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हैं केवल इंटरनल एग्जाम देकर। इंटरनल एग्जाम मीन्स आपको वहाँ पर जाने पर आपको कुछ एग्जाम जो देने पड़ते हैं अंदर, वो आप जाएंगे तो समझ में आएगा। और इस तरह से आप ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आप इसको क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि मैंने ब्रांच मैनेजर कैसे बने और बैंक पीओ कैसे बने केवल क्लर्क बनकर, उसका मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।